नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरमालवा की, जहां पति ने 3 बार तलाक कहा तो महिला पहुंची थाने। साथ ही बात होगी भिंड की, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, और बताएंगे कि कैसे कानपुर नगर में नौतपा की प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित महिला थाने पर ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक महिला की शादी 2010 में इस्लामिक रीति रिवाज से हुई थी। महिला के 2 बच्चे हैं, एक बड़ा लड़का और एक छोटी लड़की। महिला का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। पति के द्वारा 3 बार तलाक कहा गया, इसके बाद महिला थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। ASP निशा रेड्डी ने जानकारी दी, कहा कि महिला की शिकायत पर अगर महिला थाना पुलिस ने उसके पति अफसर खां, पिता मजीद खां और उसके सास ससुर नंद निवासी पुरानी हाउसिंग बताया कि महिला की शिकायत पर बोट कॉलोनी आगर के विरुद्ध धारा मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम 4 के तहत प्रकरण दर्ज किया है और विवेचना जारी है। महिला थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें एक मुस्लिम महिला है। उस महिला ने थाने पर आकर के रिपोर्ट किया है कि उसका पति साहब अगर उसको परेशान करते हैं, और पति ने उसको तीन बार तलाक बोल करके उसको तलाक दे दिया। वो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है धारा 498A, और उसके साथ में हमने 4 मुस्लिम विवाह अधिनियम संरक्षण अधिनियम के तहत ये प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जो अभी विवेचना में। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भिंड से है। यहाँ तेज रफ्तार का कहर अनियंत्रित होकर आई 10 लग्जरी कार ने पीछे से खड़ी ट्रॉली में मारी टक्कर। कार सवार बुरी तरह घायल। कार पहले डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद ट्रॉली में जाकर घुसी। कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि कार के दोनों एयरबैग खुल गए। बताया गया कि गाड़ी में चल रही थी शराब पार्टी। घटना का लाइव वीडियो CCTV में कैद। तत्काल आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में कार से निकाला। ई रिक्शा की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अटेर रोड बॉम्बे बिल्डिंग के पास की। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद की रिपोर्ट। थाना कादरी के क्षेत्र में शहर के नरकसा रोड पर राहुल राठौर की जनरल स्टोर की दुकान है। रात करीब 10 बजे राहुल राठौर दुकान बंद करके घर आया, तभी रात 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लग गई। स्थानीय लोगों ने दुकान से आग की लपटें निकलते देख दुकान मालिक को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दुकान मालिक ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलवाया, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लगभग 10 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। थाना कादरी गेट थाना अध्यक्ष अवध नारायण पांडे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर डटे रहे। वहीं देखने वाली भीड़ लगी रही। पड़ोसी दुकानदार संजय मिश्रा कन्हैया ने आग की आशंका से अपनी दुकान से सामान निकाल कर बाहर रख लिया, हालांकि कोई उन्हें हानि नहीं हुई है। संतोष द्विवेदी, ये किसकी दुकान है? मेरे बुआ लड़के की। क्या नाम है इनका? संजय मिश्रा। और ये बगल में आग लगी, किसकी दुकान है? ये राहुल है, राठौर। किसकी दुकान है? राहुल राठौर। किसकी दुकान थी? मतलब परचून की। जनरल स्टोर। कैसे आग लगी? क्या आग जी साथ लगी होगी? मिश्रा। और कितने बजे दुकान बंद थी? 10:30 बजे दुकान बंद किया गया था। ये स्टोर दुकान है। आपकी भी आशंका थी। और बगल में किसकी दुकान है उस तरफ? दुकान है कन्हैयालाल की, कन्हैया गुप्ता की। कैसे जानकारी मिली? दादा जानकारी फोन द्वारा मिली है। फोन द्वारा फायर ब्रिगेड आ गई थी मौके पर। स्थानीय लोगों ने फोन करा किया तो वहीं भाग के आए हम लोग। आपकी दुकान नुकसान कोई नहीं? हवाई कोई? उनकी दुकान लगभग कितने का नुकसान होगा? कम से कम 10 लाख रुपए कम से कम होगा। 10 लाख रुपए लगभग कम ज्यादा होगा। ये पूरा सामान जल गया, सब सारा सब खराब हो गया एकदम। फायर ब्रिगेड आ गई थी। फरुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। खबर गुना से है। यहाँ म्याना के वार्ड नंबर 11 के खलक सिंह कॉलोनी में रास्ता नहीं होने से वहाँ के रावासियों को म्याना के मुख्य मार्ग तक पहुँच पाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक म्याना के वार्ड नंबर 11 रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित खलक सिंह की कॉलोनी के नाम से जानी जाती है। लगभग 30 से 40 लोग अपना घर बनाकर यहाँ रह रहे हैं। बता दें अभी तक ये लोग रेलवे अंडरब्रिज के पास से निकल रहे थे, वो भी अस्थायी रास्ता था, लेकिन रेलवे ने एक और नया दूसरा अंडरब्रिज बनाना शुरू कर दिया और इसकी वजह से उनका रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। अब उन्हें रोजमर्रा के कार्य के लिए मुख्य मार्ग पर आने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में वहाँ की रहवासी रीना विश्वकर्मा ने बताया कि हमारे जब इस जगह पर प्लॉट लिया था तब हमें 2 रास्ते बताए गए थे और अब एक भी नहीं है। हमें कहीं जाना है तो रेलवे की एक छोटी सी पुलिया से हमें जाना होता है और बड़ी समस्या होती है। बारिश के मौसम आने वाला है, पुलिया में पानी भर जाएगा, हम हमारे बच्चे कैसे आएंगे जाएंगे? क्या कुछ कहा है महिला रहवासी कॉलोनाइजर ने, आइए सुनवाते हैं। अच्छा, हाँ। अब आप क्या चाहते हो सरकार से? आप तो चाहते हैं कि हम साहब का समय ले। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम सिंह। कहाँ रहते हो?
धन्यवाद। कि हमें कम से कम निकलने के और हमारे वाहन आने जाने के लिए रास्ते तो बने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र विश्वकर्मा। कहाँ रहते हो? मैं म्याना ही देता हूँ। धन्यवाद। रास्ता पूर्ण रूप से बंद है? बंद है। तो आप क्या चाहती सरकार से? हम जो चाह रहे हैं कि हमें रास्ता मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? राम रहती। कहाँ म्याना रहती हो? म्याना। ओके, पूरा बता सर। यहाँ पे हमने प्लाट लिया था आज से 3 साल पहले, है ना। तो हमको 2 रास्ते दिखाए गए थे कि आप तारफेंस से हो रही है ये, और एक यहाँ से हाईवे के लाने 20 फीट चौड़ा है ना, ये खुल जाएगा जब भी आप खुलवाना चाहोगे तो। और हमको वर्तमान में निकलने के लिए गवर्नमेंट जो रेलवे है वहाँ से निकलने के लान रास्ता दिया गया था, पर क्या हुआ कि अभी 2-1 महीने से पहले से ये जो रास्ता है ये रेलवे की पुलिया बनी है उस कारण से ये बंद हो गया है। तो ना तो हम निकल पा रहे हैं, ना बाजार जा पा रहे हैं, ना अभी तो ठीक है जैसे कि छुट्टियाँ चल रही हैं तो हम घर पर हैं, पर हम खुद भी नौकरी में हैं और जाते हैं तो हमको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा ये आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ से कोई भी रास्ता नहीं है, ओनली एक पुलिया है और वो भी कैसी गंदी पुलिया है। तो अभी तो निकल सकते हैं, अगर 1-2 पानी गिर गए तो कोई संभावना नहीं होने, फंसे हुए हैं, खाना पीना भी नहीं हो पा रहा है टाइम से और बस घर में ही है। तो आप मार्गदर्शन दीजिए किधर से निकलना है, क्या रास्ता है, करवाइए। तो शासन से क्या मांगे आपको रास्ता दिलाया है? हमको ये मांगे कि हमको कम से कम 20 फीट का रास्ता मिलना चाहिए ताकि सिंगल तो जाएं पर वाहन भी जाए। अभी भी कच्चा रास्ता है, कीचड़ में से निकलते हैं तो कम से कम वो जो होता है क्या बोलते हैं खड़ंजा वही हो जाए तो अच्छा है। क्या नाम है आपका? रीना विश्वकर्मा। कहाँ रहती हैं? म्याना में रहती हूँ, इसी कॉलोनी में। धन्यवाद। आपके द्वारा काटी गई कॉलोनी है और इसमें अब आज मुख्य रोड से नहीं जुड़ पा रहे, तो आप थोड़ा बताएं कैसी क्या समस्या आ रही है? पहले तो पहले जबरदस्त 10 साल वही है, 2014 को मान घनश्याम बल्कि लड़ाई हो गई मौका आ गया तो जब तक मैंने कछु ही नहीं करी, रिपोर्ट भी 2014। अच्छा अच्छा, तो ये अब रास्ता नहीं है तो ये समस्या आ रही, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाना चाहोगे? मैं तो जो बन से ही जो अपनी नक्शा से जुड़ रही चाह रहा हूँ। तो क्या आपसे ने एक आध दो बार इनसे बात की पड़ोसियों से? माने भी तो गा रहे थे लॉग लॉन्च को और पर ही मैंने कहा दोबारा कहेंगे। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से बस रास्ता चाहते। तो क्या आपने सरकार को आवेदन के माध्यम से सूचित किया? कहाँ कहाँ दिया आपने आवेदन? म्याना थाना में दाओ, कलेक्ट्रेट में दाओ, SDF साहब वहाँ गए थे और तहसीलदार साहब वहाँ गए थे, तहसील में गए, पंचायत में भी गए थे। तो इन्होंने आपको आवेदन देने के उपरांत कोई आश्वासन दिया है नहीं दिया? हाँ, माने के करवाएंगे लेकिन आज तक अभी तक कुछ नहीं। तो अब क्या चाहते हो आप? अब रास्ता ही चाहते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम खलक सिंह यादव। कहाँ रहते हो? धन्यवाद। गुना से सीनियर संवाददाता सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कानपुर में नौतपा की प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है, गर्मी का प्रभाव इस कदर बड़ा है कि पता नहीं चल पा रहा है कि उनकी मृत्यु हो जा रही है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। शहर के अलग अलग स्थानों में लावारिस शवों के मिलने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस में शवों को रखने की जगह नहीं बची है। हालत यह है कि 58 लावारिस शवों से कानपुर का पोस्टमार्टम हाउस फुल हो चुका है, जिसकी दुर्गंध पोस्टमार्टम हाउस के चारों ओर 500 मीटर तक भीषण फैली है। शवों को रखने के लिए रैन बसेरे के साथ डॉक्टरों की डिमांड की गई है। मामले को गंभीरता से देखते हुए DM ने CMO और ADM को पोस्टमार्टम हाउस में हालात नियंत्रित करने की आवश्यकताओं तथा अव्यवस्थाओं को ठीक करने को लेकर पत्र भेजा है। मामले के संबंध में ज्वाइंट CP हरीश चंद्र ने जानकारी दी है। कानपुर में जो है वो क्योंकि आप भी जान रहे होंगे उस समय व्यापक भीषण गर्मी पड़ रही है और अन्य कारण भी होते हैं, और जो हमारी प्रक्रिया है वो कोई भी अगर शव मिलता है तो हम लोग उसको जो है वो पोस्टमार्टम जरूर कराते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो है वो परिजनों को सौंपा जाता है। कई बार जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसमें 72 घंटे तक उसको रखने का प्रावधान है ताकि जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो सके। यदि तब भी कोई नहीं मिलता है तो फिर आइडेंटिफिकेशन ना होने के कारण कराकर फिर नियमानुसार प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। तो उसी प्रक्रिया के तहत जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे हम उसमें आगे कार्रवाई करते हैं। यदि उसमें कोई अपराध बनता है तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाता है, और यदि अपराध नहीं बनता है तो उसमें नियमानुसार जो कार्रवाई है पंचायत थाना की जाँच करके उसको क्लोज कर दिया जाता है। उसी प्रक्रिया में जो है वो आगे की कार्रवाई प्रचलित है। कुछ ये रूटीन प्रोसेस है। पिछले कुछ दिनों से जो है वो कुछ डेड बॉडीज जो है वो जैसा आप लोगों ने भी बताया कि पोस्टमार्टम हाउस में आई थी तो उन सभी का डाटा लिया जा रहा है, और जहाँ तक मेरी जानकारी अभी तक किसी में जो है वो कोई अपराध होना नहीं पाया गया है।
जिनकी शिनाख्त हो सकती थी उनकी शिनाख्त की गई है और बाकी जो शिनाख्त हो रही है उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और जल्दी ही जो है वो शिनाख्त करा रहे हैं, पूरी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कानपुर नगर से सीनियर संवाददाता भरत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।